एवरीवन, वेलकम टू निशा जी रेसिपीज। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीका से रोहू फिश करी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 1 kg फिश को हमने अच्छे से धो के ले लेंगे और इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच नमक। नमक और हल्दी को अब हम फिश में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम रख देंगे और तब तक इस फिश के लिए हम मसाले बना लेंगे। उसके लिए यहाँ 2 बड़ा चम्मच धनिया, 2 छोटी चम्मच जीरा, 2 बड़ा चम्मच सरसों, 20 से 25 लहसुन के पीसेस और 3 टमाटर, इन सब का हम पेस्ट बना लेंगे। आप इसके साथ सूखा मिर्च भी पीस सकते हैं। यहाँ हम डालेंगे सरसों का तेल 5 से 6 बड़े चम्मच। फिश को हम आज सरसों के तेल में बनाएंगे। अब देख सकते तेल में अच्छा धुआं आने लगा है। अब इसमें हम एक एक करके फिश को डाल देंगे। फिश में बहुत ही ज़्यादा छींटे आते हैं, इसीलिए इसे थोड़ा सा आराम से बनाएं। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। 3 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम पलट लेंगे। यह फिश नीचे से अच्छा सा लाल नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसे और 2 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद देखिए थोड़ा थोड़ा इसमें लाल आ गया। इसी तरह हम पलटाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिश को यहाँ हमने अच्छे से दोनों तरफ पलटाते हुए गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लिया। इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे फिश को फ्राई करेंगे। यहाँ हमने सारे फिश को फ्राई कर लिए हैं। अब लास्ट में हम फिश के जो हेड रहते हैं सर, उसे हम फ्राई करेंगे। अगर बीच में ऑयल डालना हो तो आप रिफाइंड ऑयल डालें, क्योंकि सरसों के तेल अगर आप कच्चा यूज करेंगे तो उसमें स्मेल आ जाता है। और फिश के हेड को इसी तरह हम दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करेंगे। सब तरफ से फिश को हेड को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसे भी अब हम निकाल लेंगे। इसके बीच में हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल डाला भी है। अब इसमें हम मसालों को डाल देंगे और इसी में हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। यहाँ हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। आप यहाँ चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। मसाले में बहुत बड़े बड़े छींटे आते हैं, इसीलिए हम इसे ढक के पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। मसाले में आप छींटे नहीं आ रहे हैं, इसे हम आप अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे पहले से थोड़ा हरा धनिया और थोड़ा सा हम बचा के रखेंगे, बाद में गार्निशिंग के टाइम डालेंगे। अब मसालों को अच्छे से भून लेंगे। मसालों को यहाँ हमने अच्छे से भून लिया, आप देख सकते हैं। इसी तरह आप भी मसालों को भूनें, जिससे फिश करी और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। आपको जितना करी रखना है उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। अब इसे हम ढक देंगे और इसमें उबाल आने देंगे। अब इसमें उबाल आ गया है, इसमें हम सारे फिश फ्राई किए हुए जो थे उसे हम डाल देंगे। और इसे इस तरह थोड़ा सा दबा देंगे, जिससे फिश जो है वो अंदर करी में चला जाए। और इसके ऊपर हम फिर से डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसे हम ढक देंगे। यहाँ हम फिश को पूरा नहीं ढकेंगे, नहीं तो फिश बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। इसी तरह आधे ढकेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। फिश को पकाते हुए टोटल 4 मिनट हो गए हैं। अब देख सकते हैं फिश भी रेडी है। यहाँ हम करी चेक कर लेंगे। हमें राइस के साथ खाना है, इसीलिए हमें इतना ही पतला करी चाहिए। आप चाहे तो
करी को और गाढ़ी भी कर सकते हैं। अब हम सर्व कर लेते हैं। आप भी इस तरह की फिश करी ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।